Assalamualaikum guys, hope you are doing great. So welcome to another video. In this video I will tell you a great story happened with me last few weeks ago. So what happened few days back, one of a girl messaged me on WhatsApp and texted me a hi. So I was confused that it was a international number. So I texted, I sent a question mark in reply. So she said, sorry, it's I messaged you mistakenly. So I said, okay. After next day, she again messaged me and starting interviewing me. And she asked about my, what I'm doing, what my name, what's my age and what I'm doing, everything. So she was from London. And his one name was Sandra. So what happened next? But when I asked her about that, what do you do? She told me that his husband had been passed away 3 years ago and he ran his husband company. So she told me that ke unke jo bhai hai na, uske husband ke brothers hain, wo unse uski company ko chheenna chahte hain jo wo khud chala rahi hai. So उसका जो है केस कोर्ट में चला गया है एंड इट्स अबाउट 1 or 2 months अगो दैट हिज केस इज़ रनिंग. बट उसने मुझे फिर कहा कि प्लीज़ प्रे फॉर माय केस दैट आई गॉट वन. सो मैंने उसके लिए दुआ की और मैंने कहा चलो ठीक है दैन मैं आपके लिए दुआ कर दूँगा. तो बात ऐसे चलती रही. तो 2-1 हफ्तों के अंदर अंदर वो केस मुझे कहती है कि ना मैं केस जीत गई, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. तो मैंने कहा ओके. फिर कहती है कि ना आई वांट टू सेंड यू अ सरप्राइज गिफ्ट. देन उसने कहा कि मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ. तो मैंने कहा ओके, पर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसे मैं किसी को अपना एड्रेस वगैरह तो नहीं कुछ बता सकता. लेकिन फिर मैंने ना उसको दिया एड्रेस, लेकिन थोड़ा गलत एड्रेस, गलत नेम, गलत और नंबर भी मैंने उसको दूसरा दे दिया. सो आगे क्या, देन शी सेंड मी अ गिफ्ट थ्रू, मतलब उसने मुझे पिक्चर्स भेजी. पहले उसमें था जी गोल्ड चेन थी, उसके बाद शूज़, पेंट शर्ट, उसके बाद लैपटॉप, आईफोन एंड मनी, सम थोड़े से पैसे भेजे उसने. और कहती है कि ना ये आपको ना पहुँचेंगे, मतलब उसने इंग्लिश में जो भी बोल दिया ठीक है. उसके बाद कहते हैं उसने ना मेरे ख्याल एयरलाइन के थ्रू भेजा. तो रात को मैंने अपने पापा से बात की कि ये सीन हो रहा है. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो पूरा स्कैम है, अगर वो वहाँ से लंदन से इधर ड्रग्स स्मगल कर रहे होंगे या वहाँ से कहते हैं कोकेन वगैरह जो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो पाकिस्तान में आके जब पकड़ी जाएगी तो वो हमें पकड़ लेंगे कि आपने ये मंगवाया, आप वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे. तो बात हुई वहाँ पे, कंफ्यूज हो गया. मैंने कहा ये क्या हो गया, और मुझे उस टाइम शायद समझ भी नहीं आ रही थी पहले भी, मतलब उसने मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स चलाए कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है. तो फिर क्या हुआ कि मैंने उस लड़की को कहा कि आई डोंट वांट टू टेक योर पार्सल. तो मैंने वहाँ पे उससे किस्सा ख़त्म कर दिया. तो मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया. मुझे ईमेल आई कि आपका पार्सल पहुँच गया. मैंने उनको कह दिया कि ये मेरा पार्सल है ही नहीं. बात यहाँ पे ख़त्म हुई. देन क्या हुआ, सुबह मुझे कॉल आती है नेक्स्ट डे कि आप जकरिया, मतलब उस मैंने जकरिया नाम नहीं बताया था, मैंने मतलब हैरी नाम बताया. मैंने कहा, उनका फ़ोन आया, कहते हैं क्या आप हैरी हैं सरगोधा से. मैंने कहा नो आई एम नॉट. सो वहाँ पे कॉल ख़त्म हुई और उसके बाद उससे मेरी जान छूट गई. सो मोरल इज़ दैट कि हमें भी अवेयर रहना चाहिए इन तरह के लोगों से, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. सेफ़ रहें, घर रहें, खुश रहें, और इस तरह के लोगों से बच के रहें. ये बहुत बड़ा धंधा है और किसी तरह भी आपको फंसा सकते हैं लोग. सो मेरे साथ ये हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया, आप भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें.